सा आ गया है बोरा के न्यू एपिसोड में वापस। तो फिलहाल गाइस मूवी का डे नंबर 3 चल रहा है भाई, सैटरडे है और वही ऑक्युपेंसी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है भाई। मूवी के हिसाब से देखा जाए तो आज का दिन एंड टुमारो यानी संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये दो दिन में क्रश नहीं कर पाएगी तो मूवी मंडे को गिर जाएगी। और मैंने बताया भी था आप सभी को, ये वीकेंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मूवी वीकेंड में अच्छा प्रोडक्शन कर लेती है तो मूवी के लिए सब कुछ ठीक रह जाएगा। तो सबसे पहले आज की ऑक्युपेंसी की बात करते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, अगर मैं बात करूँ इसकी अभी मानने की यानी कि नर्बल 3D की बात करूँ तो लगभग इसने 9% ऑक्युपेंसी के साथ आज इसने मानने में ओपन ली थी। एज अ कंपेयर आप फ्राइडे से करोगे तो 6.30 रही थी फ्राइडे को। देखो हाई जंप लिया है और इसको लेना भी चाहिए था क्योंकि मूवी को अगर अच्छा क्रशर करना है भाई। आफ्टरनून में यस्टरडे की 10 रही थी भाई, आज की लगभग 17.5% ऑक्युपेंसी रही यानी 50% के आसपास इसने जंप किया, 45 बोल सकते हो जंप किया, और इसको करना भी चाहिए। और मैंने मानने में आसोई को बताया भी था अगर जंप नहीं करेगी तो मूवी गिर जाएगी। एंड अगर मैं 2D पर एक नजर डालूं, देखो कल लगभग 6.5% ऑक्युपेंसी के साथ इसने मॉर्निंग में ओपन ली भाई। 2D आज लगभग 8.5 रही, देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है 2D में। एंड आफ्टरनून की 10 रही थी, आज लगभग 15% ऑक्युपेंसी आफ्टरनून की रही। देखो यहाँ पे भी लगभग 25-30 के बीच में आज जंप किया है 2D एंड आफ्टरनून की ऑक्युपेंसी ने। बाकी IMAX 3D की बात करूँ उसमें तो लगभग सेम सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है जो कि जो फ्राइडे को थी भाई, आज सेम सैटरडे को आ रही है। अगर मैं ओवरऑल पे नज़र डालूँ देखो गाइस, आज शोज़ भी अच्छे खासे इंक्रीज देखने को मिले हैं। ये सब देखकर काफ़ी अच्छा भी लगा, मूवी के शोज़ इंक्रीज हुए हैं। इसके बावजूद देखोगे फर्स्ट 2 डेज़ में देखोगे आप क्रश इतना नहीं कर पाई है, और उसके बावजूद कि मूवी के शोज़ नहीं गिरे हैं। देखो यस्टरडे को थे 6085 शोज़ थे नॉर्मल 3D में भाई, आज 2 डे 6180 शोज़ है। आप बोल सकते हो कि 95 शोज से ज़्यादा आज शोज़ इंक्रीज हुए हैं बल्कि ड्रॉप नहीं हुए हैं। इसका मतलब मूवी पर अभी भी ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। अगर मैं एक नज़र 2D पर भी डालू यहाँ पे आज मतलब शोज़ हैं 5,564 शोज़ हैं 2D, और भाई यस्टरडे को थे 5,382। देखो यहाँ पे 150 शोज़ से ज़्यादा आज 2 डे सैटरडे को इनक्रीज देखने को मिले हैं। और मैंने बताया मूवी पे अभी भी ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, मूवी क्रशन करे या फिर ना करे। अगर मैं बात करूँ 64 शोज़ थे IMAX 3D को जहाँ फ्राइडे को, भाई सैटरडे को 66 शोज़ है, आज 2 शोज़ IMAX 3D में भी इनक्रीज देखने को मिले हैं भाई। टोटल शोज 11,000 के आसपास मूवी के पास अभी भी शोज है। एज अ कंपेयर आप दृश्यम 2 के साथ करोगे उसके भी लगभग 10,000 के आसपास उसको भी शोज मिले थे। बट दृश्यम 2 जिस तरह उसने बॉक्स ऑफिस में धमाका किया था अपने वीकेंड में, जैसे वो मतलब सैटरडे संडे तक लगभग 27 करोड़ तक अपने सिंगल डे में उसने क्रशन किया था, बट उस तरह ये नहीं कर पा रही है। देखो गाइज आज की बात करूँ सबसे पहले कुछ मेन मेन सिटीज़ पर नज़र डालूँ उसके बाद क्रशन की बात करते हैं। देखो मुंबई में भी आज एज अ कम्पेयर फर्स्ट 2 डेज़ के मुकाबले मुझे आज थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। देखो मुंबई में 698 शोज़ है, मानने की 10% ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून की 17 रही। अगर यही ऑक्युपेंसी अगर इवनिंग की अगर ये मेंटेन रह पाती है, जैसे अभी मैच भी IPL इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है, अगर यही ऑक्युपेंसी सेम रहती है तो मूवी आज अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाका कर सकती है मुंबई के अंदर भी अगर ऐसा करती है। देखो NCR की बात करूँ तो 654 शोज़ में 9% ऑक्युपेंसी मारने में ओपनली, एंड आफ्टरनून की लगभग 22% ऑक्युपेंसी रही। अगर यही मतलब इवनिंग की भी अगर 25% ऑक्युपेंसी टच कर पाती है तो ऑफकोर्स NCR में भी गुड से ब्लड को बोल सकते हो कि 1-2 स्टार आप और ऊपर देख सकते हो। हाँ काफ़ी अच्छा इसको और भी रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट मैंने बताया यस्ट अभी आज 2 मैच हैं, अगर उन दोनों मैचों का इफेक्ट नहीं पड़ता मतलब पड़ता है मूवी के बीच में अंदर, एंड मूवी उसके अगर नहीं मतलब आइडियंस अगर मूवी जिन्होंने मूवी देखने जाना है अगर वो चली जाती है तो मूवी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मूवी आज भी अच्छा खासा क्रशन कर सकती है। जैसे कि लखनऊ पर भी नज़र डालूं 138 शो में 8% ऑक्युपेंसी मारने में ओपन रही भाई, 17% आफ्टरनून की ऑक्युपेंसी रही। देखो गुड रिस्पांस मिल रहा है, मुझे वही डर लग रहा है कि IPL का यहाँ पे कोई असर ना पड़ जाए, यानी आज का मैच जो मतलब अभी चल रहा है क्या बोलते हैं उसको, मे बी KRK वर्सेस पंजाब का मैच चल रहा है अभी इवनिंग के टाइम पर, उसके नाइट में तो KKR का मैच है, तो
दोनों मैच का इफेक्ट ऑफकोर्स पड़ेगा, बट अभी का मैच क्योंकि इवनिंग नाइट दोनों ऑक्युपेंसी पर असर पड़ जाएगा तो फिर तो मतलब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज दो दिन है मूवी के पास सैटरडे संडे का। तो ये हो गया इसका सब कुछ गाइस, अगर मैंने बताई है यही ऑक्युपेंसी, अगर जो आफ्टरनून की ऑक्युपेंसी आ रही है भाई, इवनिंग नाइट की ऑक्युपेंसी अगर ये मेंटेन रह पाती है तो मूवी डेफिनेटली 14-15 crore के आसपास भी हमें आज नेट प्रोडक्शन करती हुई नज़र आ सकती है। वट ये तो फिर बाद की बात है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। जस्ट अभी के टाइम में जो मुझे लग रहा है, जो अभी की जस्ट किसी ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है, आज ये 10-12 crore के आसपास हमें ये नेट प्रोडक्शन करती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये मूवी देखो गाइस 10-12 crore आसपास नेट प्रोडक्शन करती है तब भी ठीक है, अगर जो उसने ओपनिंग डे में अपने 11 crore and 20 lakh क्वेश्चन किया था, अपने डे वन ये ओपनिंग ली थी, अगर उससे ये मूवी कम क्वेश्चन करती है तो फिर ये दुख की बात होगी। देखो गाइस तू जूठी में बगार जब सिनेमाघरों में आई थी एंड उस मूवी के मुकाबले बोला का थोड़ा मेरे को ज़्यादा हाइप लगा, एंड उस मूवी के मुकाबले मुझे बोला मूवी अच्छी भी लगी। ऑफकोर्स 3D में थी एंड जिस तरह इस मूवी के अंदर म्यूज़िक था, जिस तरह इस मूवी के अंदर एक्शन सीन्स थे एंड बहुत वो एक रोमांटिक रोमांस मूवी थी लव रंजन की, जिसमें रणवीर शर्मा की जोड़ी थी, उसने देखो 15.73 crore के साथ ओपनिंग तो ली थी, लेकिन उसका 5 दिन का वीकेंड था और उसका हॉलीडे वीकेंड था, लेकिन उसने बोल सकते हो कि वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, चलो इसको आप ले लो हॉलीडेज, उसके बाद उसने सैटरडे और संडे को 16 crore and 17 crore क्रशन किया, यानी अपने ओपनिंग डे के मुकाबले भी ज़्यादा क्रशन किया। और वही हम चाहते हैं कि बोला के साथ भी हो, बोला भी अगर सैटरडे और संडे को 15-15 crore टच क्रशन करती है तब भी इसके लिए अच्छा रहेगा, अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो मूवी के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर आपने वीकेंड में ये मूवी 50 crore का आंकड़ा टच नहीं कर पाती है तो फिर आप मन लिख के भी ले सकते हो कि मूवी मतलब थिएटर से पिट जाएगी, क्योंकि देखो जस्ट अभी के टाइम में ये मूवी 40-43-44 crore के आसपास क्रशन करते हुए नजर आ रही है अपने वीकेंड में। भाई फर्स्ट 5 दिन का वीकेंड रहने, तू जूठे मकार का 5 दिन का वीकेंड था, उसने 70 crore के आसपास क्रशन किया था, चलो इसका 4 दिन का वीकेंड फिर भी इसको 50 crore के आसपास क्रशन करना ही चाहिए था, बट ये ऐसा भी करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। अब अजय देवगन के फैंस है या उनको ये मूवी पसंद नहीं आई है एंड या फिर वो जानबूझकर सपोर्ट नहीं कर अजय देवगन को, देखो गाइस अब ये तो बात की बात है, या फिर अजय देवगन के जो फैंस है वही जाने ये बात, बाकी अब यही है सब कुछ, अब मतलब संडे पर निर्भर है सब कुछ, क्योंकि टुमारो को जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आज का दिन 10-12 crore के बीच में फंसी हुई दिख रही है मूवी। भाई फर्स्ट 2 days में 18 crore 60 lakh इसका नेट क्रशन हुआ, जस्ट ओनली 18 crore बोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड में 25-26 crore मूवी अभी फर्स्ट 2 days में सिर्फ क्रशन कर पाई है, मूवी का 100 crore के आसपास बजट है, तो इसको अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाका करना होगा जब तक किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में ना आए। इसके पास अच्छा खासा टाइम भी था, बट ये टाइम बोल सकते हो कि अब इसके पास मतलब अभी कुछ बोलने का मतलब है ही नहीं कोई वर्ड। बाकी गाइस अपने हिसाब से यही है सब कुछ, बाकी शाम के 10 बजे फिर से एक इसके रेटी न्यू वीडियो आ जाएगी, उसमें हम जब इसकी इवनिंग की ऑक्युपेंसी मूवी निकल के सामने आ जाएगी उसमें देखेंगे क्या मैच का कोई इफेक्ट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, एंड साथ में हम दशहरा की भी बात भी करेंगे उसमें कि दशहरा ने अपने फर्स्ट 2 days में एंड आज 3rd day उतना मतलब वो कितना क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रही है, फिलहाल उसने 50 crore के आंकड़े को टच किया है फर्स्ट 2 days में पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी इससे दुगुना प्रशन कर रही है वो। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।